बंग आवाज स्पॉन्सर्ड बाय श्री बालाजी फैशन एंड द लिलीज। बंगाल तो शांति रहना होगा, मफिया राज बंद करो, बंद करो, बंद। AIMIM के जिला अध्यक्ष दानिश अजीज लगातार मुखर हो रहे हैं कोयला तस्करों के खिलाफ। इस बार तो खुली चुनौती दी है पुलिस प्रशासन को, नेशनल हाईवे 19 को किया जाम दानिश अजीज ने, और आरोप लगाया कि सही दस्तावेज होने के बावजूद भी कोयला लदे ट्रक से पेड के नाम पर गणेश नाम का शख्स कर रहा है अवैध वसूली। दानिश अजीज ने इससे संबंधित एक ऑडियो भी जारी किया है जिसमें तारकेश्वर राय को सरगना बताया है। हेलो, हाँ गणेश दा। हाँ। हम बड़ाकर से बोल रहे थे। हाँ, बोलिए। बोल रहे हैं वो जो परबलिया से गाड़ी लोड हुआ ना मेरा। हाँ। तो छोड़िएगा नहीं वो दादा, आप लोग का देखिए ज्यादा हम लोग रेट किए नहीं, आप लोग का सिर्फ 1000 रुपए करके आप लोग का सिस्टम किया है, तो उसमें भी आप लोग मान लीजिए उतना परेशान हो रहे हैं, तो उसके लिए हम बोले कि ठेकेदार, तो ठेकेदार से बात करके हमको बोले हम छोड़ देंगे गाड़ी को। तो ठेकेदार से आप बात कीजिए ना थोड़ा सा। हम क्यों बात कर रहे हैं, वो बात आप लोग कीजिएगा ना, वो हम बोलेंगे कि ये गाड़ी छोड़ेंगे ठेकेदार, वो ठीक रहेगा, वो मालिक है हमारा। तो ठेकेदार से कैसे कांटेक्ट होगा आप लोग, ये कीजिए कांटेक्ट कीजिए, देखिए कैसे होगा आप लोग बोले। तो दादा मैंने ये तो झारखंड गाड़ी का था ना दादा, लोकल गाड़ी का तो नहीं था ना। लोकल गाड़ी का सबका यहाँ पर आइएगा, डिप्यूटी चेक पोस्ट में आइए पार्किंग में, आप लोग को समझ में आ जाएगा कि लोकल क्या। समझ रहे हैं, इसीलिए पारबुलिया से लोड हुआ आप लोग का लोकल है बोल के आप लोग 1000 रुपया हम सिस्टम किए हैं, बाकी गाड़ी का सबका 2000, 3000, 4000 तक ले रहे हैं, लेकिन आप लोग 1000 करके जैसे कुछ इसके लिए कुछ बोलना नहीं पड़े। अब फिर आगे क्या बोलेंगे बोलिए, फिर भी देखिए थोड़ा बात करके, तारकेश्वर राय जी से बात करके देखिए थोड़ा सा, फिर भी आप लोग बात कीजिए ना, वो चीज हम बात करेंगे तो ठीक नहीं होगा, समझ गया ना। इससे पहले भी दानिश अजीज ने कोयला तस्करों के खिलाफ मोर्चा खोला था, लेकिन सोमवार को नेशनल हाईवे पर दानिश अजीज के नेतृत्व में हुए आंदोलन में शामिल थे बंगाल कोल ट्रेडर्स एसोसिएशन और कई ट्रक चालक भी, जिन्होंने कहा कि सारे कागजात सही होने के बावजूद भी वसूली करने वाले उनके कागजात छीन लेते हैं और 1000 रुपए से 5000 रुपए तक की मांग करते हैं। चलान ले लिया, बदसलूकी भी किया और बोला कि संजय से जाकर मिल लो और वहाँ पेट का पैसा जमा दो, हम लोग कोलेरी से 1000 रुपया लेना शुरू किए हैं, ये तो कोई बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं है, ये तुम लोग को दे के जाना होगा प्रत्येक कोलेरी का लोडिंग का। तो बताइए सर हम लोग कहाँ जाएंगे, अब हम लोग कोलेरी का माल में टैक्स देना पड़ेगा, एक तो सरकार का सारा GST से सब दे के आ रहे हैं और उसके बाद फिर रोड में जो तो गाड़ी रोक के हम लोग से पैसा ले लेगा, हम लोग कहाँ जाए व्यापार करने। दानिश अजीज ने कोयला तस्करी के खिलाफ BNR मोड़ के समीप कुछ महीने पहले भी तृणमूल भाजपा और पुलिस प्रशासन पर तंज कसा था, राज्यपाल को ज्ञापन देते हुए तस्करी से जुड़े लोगों के नाम की सूची भी सौंपी थी, और आज भी नेशनल हाईवे के सामने प्रदर्शन के दौरान उन्होंने पुलिस प्रशासन को चुनौती देते हुए तृणमूल कांग्रेस और भाजपा को लताड़ लगाया। ওই কাগজটা চালানটা কেড়ে নিয়ে চলে গেল, রিজন যখন ড্রাইভার জিজ্ঞেস করলো তো রিজন বললো আমরা প্যাডপট আছি 1000 টাকা লাগবে, তারপর মালিকের ফোন থেকে আমি নিজে রানী সাজির কথা বলেছি, তারপর ওই গণেশ বলছে আমরা আপনাদের থেকে কম নিচ্ছি আর অন্যান্য জায়গা থেকে 2000-5000 করে নিচ্ছি, তো আমি আপনাদের মাধ্যমে পুলিশকে প্রশাসনকে উচ্চস্তরীয় নেতৃত্বকে এটাই কোশ্চেন করতে চাই, কি বিজনেসম্যানরা কি বিজনেস করবে না, কোথায় আছে ও TMC নেতারা, কোথায় আছে BJP নেতা জিতেন তিওয়ারি, কোথায় আছে অজয় পোদ্দার, কোথায় আছে অগ্নিমিত্র পাল, কি সেটিং হয়ে গেল নাকি, টাকা পেয়ে সেটিং হয়ে গেল, এই জন্য এদের জন্য কেউ দাঁড়িয়েছে না। लेकिन दानिश के आंदोलन में वो मजबूती नहीं दिखी जो कोयला तस्करों के खिलाफ जरूरी थी। प्रदर्शन की खबर पाकर कुल्टी थाना IC कृष्णेंदु दत्त मौके पर पहुंचे और आरोपी को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया, लेकिन अब तक इस मामले में आरोपी के खिलाफ किसी तरह की कोई शिकायत थाने में दर्ज नहीं करवाई गई है। दानिश अजीज ने कहा कि वह इस मामले में गंभीर हैं और कानूनी कार्रवाई के लिए उचित कदम भी उठाएंगे।
আদি মোহিনী মোহন কান্দিলাল যখন বেনারসি সম্ভার তো হতেই হবে, তার পাশাপাশি খুশির ঈদের জন্য রয়েছে শিফন গাউন ক্রপ টপের রকমারি, তার পাশাপাশি রয়েছে মেল ফ্রেন্ডসদের জন্য বিপুল পাঞ্জাবির অপশন। আদি মোহিনী মোহন কান্দিলালের আসানসোল শোরুম 116 জিটি রোড অপোজিট অফ ভেটেরান পেট্রোল পাম্প। पटियाला तो बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत अट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है, ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के क्वालिटी दार और टिकाऊ भी। तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना, वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में, साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद जीटी रोड शनि मंदिर के सामने नूरुद्दीन रोड आसनसोल। भाजपा विधायक अग्नि मित्रा पॉल सोमवार को आसनसोल रेलपार इलाके में पहुंची। वे भाजपा कार्यकर्ता मुन्नी देवी की घर पहुंची और उनसे मुलाकात की। अग्नि मित्रा पॉल ने कहा कि मुन्नी देवी भाजपा कर्मी हैं और इस वजह से बीते 6 वर्षों से उनके घर में बिजली का कनेक्शन नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि वे इस बारे में बिजली विभाग से तथा आसनसोल उत्तर थाना पुलिस से बात करेंगे और मुन्नी देवी के घर में बिजली का कनेक्शन लगवाना होगा, वो भी पुलिस की देखरेख में। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता मुन्नी सिंह उन्नी एखे थकें और वनर खूब समस्या आज कैक बचर धरे कैक बचर हल तो छह साल भावते परें 6 बचर धरे तरह बाड़ी इलेक्ट्रिसिटी कारेंट देवा हा तर एकमात्र कारण हे एखानकार लोकल जो तृणमूल नेतृत्व रही है ता मैं पलिटिकल रिजने पलिटिकल वेंडेटर जो तरह बाड़ी इलेक्ट्रिक कारेंट धरते ढुकते दिना आज के से विषय में एसे আমি ইলেকট্রিক ডিপার্টমেন্টের সাথে কথা বলবো, আমি পুলিশের সাথেও কথা বলবো, পুলিশকে দাঁড়িয়ে থেকে ইলেকট্রিক কারেন্ট দিতে হবে। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी एथनिक वेयर, फैशनेबल मेन सूट से मिले दूल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ, तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, जीटी रोड अपोजिट सुभाष सिनेमा आसनसोल। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के कई थानेदारों का हुआ है तबादला। हीरापुर के थानेदार प्रशंजीत राय को दुर्गापुर का थानेदार बनाया गया, वहीं दुर्गापुर के थानेदार सौमेंद्र सिंह ठाकुर हीरापुर के थानेदार बनाए गए हैं। पांडेश्वर के थानेदार रविंद्रनाथ दोलुई को पंजाबी मोड़ फाड़ी और राहुल देव मंडल को पांडेश्वर का थानेदार बनाया गया है। पंजाबी मोड़ फाड़ी के प्रभारी मानव घोष को दुर्गापुर एनटीएस थाने का थानेदार बनाया गया है। वहीं आसनसोल महिला थाने की थानेदार पियाली जाना को भागसा भेज दिया गया। शिवपुर फाड़ी प्रभारी रियाजुद्दीन को विधान नगर फाड़ी में भेजा गया है। मोइनुल हक को उखड़ा और नसरीन सुल्तान को रूपनारायणपुर फाड़ी प्रभारी बनाया गया है। इसके साथ ही ट्रैफिक गार्ड के प्रभारी का भी तबादला किया गया है। कुल 34 सब इंस्पेक्टर इधर उधर किए गए। मेयर के नेतृत्व में नगर निगम की ओर से आयोजित की जा रही है वार्षिक स्पोर्ट्स प्रतियोगिता। 29 जनवरी को पोलो ग्राउंड, 30 जनवरी को जामुड़िया, 31 जनवरी को कुल्टी और 1 फरवरी को रानीगंज में आयोजित किए जाएंगे स्पोर्ट्स संबंधित कार्यक्रम। कोलियरियों के निजीकरण करने, श्रमिक के अधिकारों का हनन करने, प्रमोशन रेगुलेशन एम्प्लॉयमेंट और क्वार्टर रिपेयरिंग जैसे मामलों को लेकर मैनेजमेंट के उदासीन रवैये के खिलाफ आंदोलन की रणनीति तैयार करने के लिए बैठक की सीएमएस के वर्किंग कमेटी ने। जिला शासक एस पन्नोबलम की अध्यक्षता में जिला स्तरीय विभागीय समन्वय बैठक सोमवार को हुई एडीडीए के सभागार में। बैठक में सभी विभाग के अधिकारी रहे मौजूद। जिला शासक ने की सभी विभागों के कागजों की समीक्षा और दिए सरकारी योजनाओं में तेजी लाने के निर्देश। रानीगंज के मंगलपुर स्थित श्याम सेल एंड पावर लिमिटेड फैक्ट्री के कर्मी श्रीकांत मंडल की हुई मौत। पोस्टमार्टम के बाद मृतक के साथियों और परिजनों ने मुआवजे की मांग करते हुए किया फैक्ट्री के गेट के समक्ष विरोध प्रदर्शन।
मृतक बांकुड़ा के छातना थाना क्षेत्र का था निवासी। केंद्र सरकार द्वारा नई पेंशन नीति लागू करने और रेलवे के निजीकरण के विरोध में आसनसोल रेलवे स्टेशन में ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन तथा पूर्वी रेलवे मेंस यूनियन की तरफ से कर्मियों ने की भूख हड़ताल। कहा, अगर प्रशासन नहीं उठाती कोई कदम तो 9 तारीख को रेलवे डिवीजन के DRM दफ्तर के सामने करेंगे भूख हड़ताल। इसके बावजूद भी यदि नहीं प्रशासन आई हरकत में तो आंदोलन को बृहद रूप देते हुए 11 तारीख को कोलकाता के फेयरली प्लेस में होगा यह आंदोलन।